Where's my cat? मेरी पहली वीडियो है गोप्रो के साथ। लेट्स सी क्या होता है, कैसी बनती है और कैसी दिखती है। लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। वी विल स्लोली मर्ज विद द ट्रैफिक। अभी मैं इस वक्त हूँ ब्लू एरिया और अभी क्या टाइम हुआ, 11 होने वाले हैं, तकरीबन 8 मिनट रहते हैं। तो ये हमारे सामने सेंटोरस है। आई डोंट नो कि ये आपको नज़र आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि एक गोप्रो के साथ अटैच के साथ मेरी पहली वीडियो है। थोड़ा अजीब सा लग रहा है, थोड़ा ऐसे लग रहा है स्कल पे वजन है थोड़ा सा के, बट मेरे विजन को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रही कि ड्राइविंग में मुझे कोई इशू फील हो रहा। ये ब्रिज है, स्ट्रेट जाता है F10 की तरफ। ये सामने सेंटोरस है, इधर लेफ्ट पे डीवार्डसन और इसकी बैक साइड पे मेरा ऑफिस है। मैं SNP में काम करता हूँ। आई एम नॉट श्योर कि ऑडियो कितनी अच्छी दिख रही होगी, पर मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा सा ऊंचा बोलना चाहिए। ओप्स, वी हैव टू टर्न लेफ्ट। ये अभी सीधा हम 0.1 वाली साइड पे जाएंगे और आई नीड टू प्लेस अ राइट इंडिकेटर के मैंने सीधा जाना है और ये ट्रैफिक लेफ्ट पे मर्ज होके फजले हक रोड पे जा रही है। अब सीधा जो है ना, वो ये कौन सी गाड़ी है, अच्छा हुंडई सोनाटा, बड़ी प्यारी इसकी लाइट्स हैं। मुझे लगा बाइक वाले ने मेरे साथ रेस लगा ली है। एनीवेज, आई होप कि जब मैं घर जाऊं तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट ना हो इस वीडियो को देख के, और आप लोगों को भी बिल्कुल ना हो इसके क्लिक करके। और ये जा रहे हैं 0 पॉइंट की तरफ। अच्छा, जो मैंने वैसे प्लान किया था इस वीडियो के लिए, ये वीडियो में मैंने ये नहीं प्लान किया था कि मैं आपको इस्लामाबाद और ये ब्लू एरिया से, मैं अभी घर की तरफ जा रहा हूँ अभी ऑफिस से, मेरी 2 to 11 शिफ्ट होती है, तो मैं ये अपना कम्यूट दिखाऊंगा। बेसिक मेरा पर्पज़ है कि अगर जब हम जाएंगे कश्मीर हाईवे, जो ओल्ड कश्मीर हाईवे अभी जो है ना उसका नाम हो गया है श्रीनगर हाईवे, तो उस पर इन्होंने जो यू टर्न बनाए हैं, तो वो कुछ जो इंजीनियर्स हैं उनको थोड़ी सी दाद मैं देना चाहूँगा, क्योंकि वो जो है ना थोड़े से काइंड ऑफ डेंजरस है ड्राइविंग के लिए। क्योंकि आप फास्ट लेन में होते, जब भी आपका यू टर्न या कुछ आपका जो क्या कहते हैं ऐसे डाइवर्जन आती है कि मतलब आपने किसी और साइड पे मर जाना या टर्न लेना, आप फास्ट लेन पे जा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल राइट साइड पे आना है एक चीज़ में, तो फास्ट लेन से एक एक्स्ट्रा लेन निकलती है जिससे आप स्लोली स्लोली आप वहाँ से निकल सकते हैं। बट ऐसे कभी नहीं होता कि आप फास्ट लेन या फास्ट ओवरटेकिंग लेन से या दूसरी जो नॉर्मल लेन है उसमें से जो है ना आप जो है ना उसमें जो है ना यू टर्न में जा रहे हो। एक्सक्यूज मी फॉर दैट। तो यहाँ कुछ ऐसा मामला है कि आप फास्ट लेन पे जा रहे होते हैं या फास्ट सेकंड नॉर्मल लेन पे जा रहे होते हैं और अचानक यू लर्न के भाई जान कहाँ जाने वाले इंडिकेटर तो कम ऑन यार, सोच ले भाई एक बार फिर सोच ले। लेफ्ट का इंडिकेटर लगा, एंड पे इरादा चेंज किया कि नहीं मैंने राइट पे जाना, ये भी होता है। अच्छा, आते हैं अपने मुद्दे पे वापस, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी तीन अदद वो यू टर्न है कि आप फास्ट लेन या नॉर्मल जो लेन है आपकी ड्राइविंग लेन है, तो उस पर आप जा रहे होते हैं और अचानक आपको पता लगता है कि आप तो यू टर्न में आ गए, और यू टर्न भी जो है ना वो डेड एंडेड है, क्लोज यू टर्न है। तो ये जो है ना थोड़ा सा डेंजरस होता है,
जिसने भी बनाया है उसने सिग्नल्स को तो रिमूव कर दिया है, बट आई बिलीव इसको और डेंजरस कर दिया लोगों के लिए। मैंने अक्सर देखा कि यू टर्न में गाड़ियाँ लगी हुई, और आई थिंक के जो भी जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं इन सब को जो है ना जिस इंजीनियर ने और जिन लोगों ने ये अप्रूव किया ना उनसे पूछना भी चाहिए कि क्या किया आपने। आइडियली यहाँ पे अंडरपास बनना चाहिए था जो उसका सोल्यूशन था, ताकि दूसरी ट्रैफिक जो है ना वो आराम से ऊपर से जिसने गुजरना है गुजर जाए और जो मेन ट्रैफिक है सीधी वो नीचे से चल जाए। बट इसका चीप सोल्यूशन तो निकाला है, बट सोल्यूशन इटसेल्फ भी चीप ही है। अभी हम ये श्रीनगर हाईवे पे चढ़ गए, अभी वो वहाँ से हम जो जहाँ से टर्न लिया है उस जगह को जीरो पॉइंट कहते हैं। ये अभी मेन कश्मीर सॉरी श्रीनगर हाईवे, मैं बार बार भूल जाता हूँ, तकरीबन एक साल हुआ है या शायद इसके अराउंड हुआ है इसका नाम श्रीनगर हाईवे हो गया कश्मीर हाईवे से। तो ये कश्मीर सॉरी फिर आ गया श्रीनगर हाईवे, राइट साइड पे टोयोटा का डाला जा रहा है, लेफ्ट साइड पे टोयोटा की जो है ना वो मिनी एसयूवी, अभी इसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा क्या नाम था इसका। हम इस हाईवे पे अभी है 70 पे, हम तकरीबन 80 तक चला सकते हैं आई बिलीव, यस 80 तक है 80, लोग तो यहाँ पे अराउंड 100 भी चलाते हैं समटाइम। और इस टाइम बिल्कुल रात है तो ट्रैफिक बहुत ही कम है। ये पिशावर मोड है इस जगह को कहते हैं, ये ब्रिजेस वगैरह आए हैं, ये लेफ्ट पे जो है ना इसके द्वार बता रहे हैं। अभी शायद काफ़ी अंधेरा हो, आई एम नॉट श्योर कि वीडियो कितनी अच्छी आएगी, आई होप कि मैं घर पहुंचूं तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट ना हो, पर रिगार्डलेस ऑफ व्हाट मैं इस वीडियो को जो है ना आपको टॉर्चर करने के लिए लाजमी अपलोड करूँगा और आई विल शेयर विद पीपल एज वेल। ये राइट पे क्या टेलीकॉम फाउंडेशन, यहाँ पे मैं पहले काम करता था टेलीकॉम फाउंडेशन तकरीबन 7 years ago। टेलीकॉम फाउंडेशन इटसेल्फ कुछ नहीं है, ये जस्ट टावर है, इसके अंदर बेसिकली डिफरेंट कंपनीज होती हैं। नॉट श्योर वाई दे नेम्ड इट लाइक टेली कम्युनिकेशन, इसके अंदर सॉफ्टवेयर कंपनी है, टेरा डाटा है, डाटा फोकल इनोवेशन थी, एलेक्सा टेक्नोलॉजी थी, अभी पता नहीं सारी है नहीं है, कौन सी है कौन सी नहीं है। अच्छा जी, अब हमारे ना यू टर्न आने वाला है, ज़रा मैं देखूँ, मैं बेसिकली UX का बंदा हूँ, UX डिज़ाइनिंग का, तो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों के लिए आसान बनाई नहीं है। अभी ये गाड़ी को ना सामने आपने देखना है, मैं थोड़ा सा तेज़ होता हूँ, 80 तक तो मैं चला सकता हूँ। अब ये देखें, ये दो फास्ट लाइन्स हैं, ये सीधी प्रोटेक्टेड जो है ना यू टर्न में देखें, पहला बोर्ड आ गया यू टर्न। अब बंदे को ना ये मिनते कर रहे हैं, मिनते करके बता रहे हैं भाई यू टर्न आ गया है, यू टर्न आ गया है, यू टर्न आ गया। दो बोर्ड हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मेरे ख्याल तकरीबन 10 बोर्ड है जो ये बता रहे हैं कि भाई ये यू टर्न है, यहाँ पे नहीं आना, यहाँ पे नहीं आना। जब आपने एक बुरा सोल्यूशन निकाला है ना, ठीक है, देन यू हैव टू रीडायरेक्ट पीपल कि यार ये गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। अभी ये फास्ट लेन है, ये देखें ये डायरेक्ट सीधी जाती है यू टर्न में, और अक्सर ही मैंने देखा है, अक्सर ही मैंने देखा है।